सर परिचय देने, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रजनीकांत पांडे, एडवोकेट, और यहीं तहसील परिसर में हम वकालत करते हैं। क्या मामला रहा कि आज आप सारे अधिवक्ता बंधु आज एसडीएम के पास और कोतवाली बुरकुड़ा में कोतवाल जी के पास एप्लीकेशन लेकर गए? देखिए सर, हम लोग वकील हैं, आए दिन जो है वकीलों का आना, अपनी समस्या बताना, उनका समाधान करना हम लोगों का नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से एक मामला जाही में चल रहा है, उसी में मेरी मुवक्किला के भूमि पर जो है कुछ जमीन से जुड़ा विवाद था, जिसमें कल दोपहर 2:35 पर कोई 94-51-49-94 से फ़ोन करता है मेरी मोबाइल पर और मुझे देख लेने की धमकी देता है और मामले में पैरवी न करने की भी धमकी देता है। तो आए दिन जो है अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि चैम्बर में घुस के गोली मारा जा रहा है। तो इससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब था और बाद में आकर के अपने संघ के माध्यम से अपने अधिवक्ताओं को इस घटना के बारे में मैंने बताया, तो वो सारे लोगों ने यही विचार विमर्श करने के उपरांत हम लोग गए श्रीमान उप जिला अधिकारी के यहाँ, पत्रक दिया गया और इसके बाद उन्होंने जो है FIR करने के लिए निर्देशित किया थाना अध्यक्ष भुरकुड़ा को, उसी के संबंध में ये सब किया गया है। मामला आपके मुवक्किल का चल रहा है जमीन, और वह जो जिनके द्वारा आपको फोन किया गया जी, उन्होंने क्या इस बात को दर्शाया कि नहीं उसके तरफ से आपको धमकी दी गई? जी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि जो आप मामले की पैरवी कर रहे हैं उसमें जो है सही लोगों को फंसा रहे हैं आप, और आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप जानते नहीं हम लोग बहुत खराब आदमी हैं और अपने आप को जो है अखंड सिंह के प्रतिनिधि के रूप में जो है अपना परिचय दिया, बाकी नाम वगैरह नहीं कुछ बताया, और ये भी कहा कि शासन प्रशासन से भी पता करने पे आप ही का नाम ज़्यादा आ रहा है कि आप ही पैरवी कर रहे हो। यही सब मामला है हमारा, व्यक्तिगत कोई निजी मामला तो होता नहीं है वकीलों का। आज कार्रवाई को लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया शासन और प्रशासन के द्वारा? शासन और प्रशासन के द्वारा हमने यह कहा कि देखिए मैडम, इसको हल्के में आप मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी दुर्घटना घटने के बाद हम लोग कार्रवाई नहीं चाहते हैं, दुर्घटना से पहले कार्रवाई हो और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जिसने मुझे फोन पर धमकी दिया है, और उसको देखा जाए कि वो हमारा उससे हमारा क्या निजी मामला है, क्या दुश्मनी है कि वो इस तरीके का काम कर रहा है हमारे साथ, जो कि ना मेरे जानने वालों में से है ना कोई पहचानने वालों में से है। क्या इस फोन नंबर पे किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात हुई थी? जी यशो भुड़कुड़ा ने उसको फोन मिलाया तो सही उत्तर नहीं दिया, अपने फोन से उन्होंने फोन किया था, लेकिन वो अपने आप को कह रहा है मैं लखनऊ हूँ, ऐसे ऐसे इस तरीके से बात किया और फिर फोन काट दिया। कोतवाली भुड़कुड़ा के जो कोतवाल हैं, इसमें उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा उन्होंने? जी उनके तरफ से यही आश्वासन दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेहतर सुरक्षा की जाएगी और बहुत जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा, आपकी FIR दर्ज हो चुकी है। अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं अगर होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए सर, हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं और जैसा हमारा अभी 2-3 दिन के अंदर इनका इंतजार करते हैं, अगर उस पर कार्रवाई उचित नहीं की जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम अपने संगठन से विचार विमर्श करने के उपरांत फिर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।